राजस्थान में हिजाब पर विवाद, हिजाब में सियासत का पारा हाई, हिजाब पर अपनी अपनी सियासत। दो साल पहले 2021 के दिसंबर में कर्नाटक के एक कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका था। विवाद इतना बड़ा कि तत्कालीन राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया। हालांकि साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस मामले को लेकर जजों में इसे लेकर एक राय नहीं बन सकी, लेकिन अब राजस्थान में भी एजुकेशन सोसाइटी में हिजाब पहनने को लेकर बहस छिड़ गई है। दरअसल जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य की एक सरकारी स्कूल में दिए बयान के बाद यह मुद्दा गर्मा गया है। सूत्रों का दावा है कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए दूसरे राज्यों में हिजाब पाबंदी की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वहीं भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा में हिजाब बैन की वकालत की है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में ड्रेस कोड का पालन होना ही चाहिए, हिजाब सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूलों और मदरसों तक में प्रतिबंधित होना चाहिए। मैं इस पर मुख्यमंत्री से बात करूंगा। क्योंकि हमारे एक विधायक ने जाके ये मामला उठाया है तो गलत है। एक ड्रेस कोड पुलिस में भी होती है, स्कूलों में भी होती है। ऐसे तो कोई थानेदार कुर्ता पजामा पहन के जाके थाने में बैठ जाएगा, धोती कुर्ता पहन लेगा, सूट बूट से चले जाएगा, ये नहीं। हर चीज़ का विशेषकर स्कूल में छात्रों की ड्रेस कोड है, उसकी पालना होनी चाहिए। और हिजाब सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी मदरसों में पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। हिजाब विवाद की गूंज विधानसभा में सुनाई दी। इस दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हर जगह ड्रेस कोड का नियम है। साथ ही जानकारी है कि शिक्षा मंत्री ने भी विभाग से हिजाब को लेकर रिपोर्ट मांगी है। जब मुगल आक्रांत आए उन्होंने ये प्रथा हमारे देश में चलाई। इन मुसलमानों का डीएनए तो हिंदुस्तानी है, हमारी है, तो ये बुरका और ये हिजाब जो है हमारे देश में किसी प्रकार से जब मुसलमान देश में स्वीकार्य नहीं है तो यहाँ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और जो भी इसकी मांग उठा रहे मैं उसको उचित मानता हूँ। जानकारी है कि शिक्षा मंत्री को इसकी भेजी जाएगी रिपोर्ट। शिक्षा विभाग में उच्च स्तर पर हिजाब बैन मामले में रिपोर्ट होगी तैयार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भेजी जाएगी रिपोर्ट। दिलावर ने विभाग से दूसरे राज्यों में हिजाब बैन के स्टेटस और राजस्थान में इसके प्रभावों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। दूसरे राज्यों के पैटर्न का अध्ययन किया जाएगा। हिजाब बैन की संभावनाओं की रिपोर्ट मंत्री को भेजी जाएगी। उच्च स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद राजस्थान के स्कूलों में भी हिजाब पर लगाई जा सकती है पाबंदी। सरकार ने अभी तक ड्रेस तक की हुई है, ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड के हिसाब से ही वहाँ के छात्र छात्राओं को व्यवहार करना पड़ेगा, यानी पहन कर आना पड़ेगा। आदेश पहले से ही जारी है और जहाँ अनियमितता पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम स्कूलों में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। धर्मांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई तो खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। इस मामले में विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि स्कूलों का एक ड्रेस कोड होता है, मेरे भाषण को देखा जा सकता है, मैंने स्कूल में बच्चियों को कुछ नहीं कहा। तो उधर कांग्रेस विधायक रफीक खान ने गंगापुल स्कूल में बीजेपी विधायक के हिजाब पर पाबंदी होने और बच्चों को हिजाब पहनकर नहीं आने की बात का जिक्र करके सवाल उठाए। रफीक खान के स्थगन प्रस्ताव के अलावा मुद्दा उठाने पर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जताई थी। इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने स्थगन प्रस्ताव के विषय के अलावा बोली गई बातों को सदन की कार्यवाही से निकालने का आदेश दे दिया। इधर हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने के विरोध में विहिप उतरा है। मुद्दे पर विहिप के क्षेत्र मंत्री सुरेश उपाध्याय ने जोर दिया है कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सभी को मानना चाहिए। कुछ जिन लोगों को हर चीज में राजनीति दिखती है वो ऐसी हरकतें करते हैं। उस विद्यालय की बच्चियां तो कोई 10-5 जबरदस्ती ले आई गई होगी, बाकी उस विद्यालय की बच्चियां भी नहीं थी। बच्चियां कहीं और से लाकर या और किसी बच्चियों का रूप धर के ऐसा प्रदर्शन कुछ लोगों ने करवाया, क्योंकि वो बच्चियों की पढ़ाई चाहते ही नहीं है। उनको पढ़ाई में व्यवधान डालना है, बच्चे पढ़ ना पाए, इसलिए ऐसा माहौल बना रखा है। आपत्ति किस बात की उसको देखने की जरूरत है। आपत्ति है कि वहां हमने जाके वंदे मातरम क्यों बोला, और मैंने जब वंदे मातरम का रिटर्न नहीं मिला तो मैंने ये जरूर कहा कि आपसे वंदे मातरम बोलें, ये भारत माता हमारी धरती, हमारी माँ है, भारत हमारा देश है, उसकी माँ है, हम सबकी माँ की भी माँ है भारत माता।
तो भारत माता की जय बोले तो उन्होंने जय नहीं बोली, भारत माता की जय मना है, वंदे मातरम मना है, राष्ट्रगान मना है, और विद्यालय में सरस्वती की मंदिर और मूर्ति को ताला है, और सरस्वती की आराधना प्रार्थना मना है। तो इस प्रकार का माहौल जो विद्यालय में बना हुआ है, और फ्राइडे के दिन वहाँ नवाज पढ़ना अलाउ है, फ्राइडे के दिन वहाँ या रोज जिस समय 5 बार माइक बोलेगा तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, सब लोग हाथ करके यूँ बैठ जाओ और उनको, तो इस तरह का स्कूल में माहौल क्यों मनाया जा रहा है साहब। वहाँ बहुसंख्यक समाज की बच्चियाँ भी है, उन्होंने शिकायत की है मुझे कि साहब हमारे स्कूल में इस प्रकार का माहौल है, क्लासों में नमाज पढ़ने का कहा जाता है और बच्चियों ने स्कूल इसलिए छोड़ा है कि उन पर प्रेशर है कि उर्दू पढ़ना तुम्हें अनिवार्य है, उर्दू तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, उनके वीडियो मेरे पास में, बच्चियां शिकायत करी इस बात की। देखिए, शिक्षा विभाग राजस्थान और राजस्थान की सरकार ने स्कूलों में कौन सा ड्रेस कोड होगा ये निर्धारित किया हुआ है। मैं मानता हूँ कि अनुशासन रखने के लिए और एक सकारात्मक सोच रखने के लिए जो ड्रेस कोड स्कूलों में निर्धारित है उसी ड्रेस कोड में आना चाहिए। मान लीजिए कि एक थानेदार को पुलिस की वर्दी दी गई है, जो कैप लगाता है, अपने स्टार लगाता है, ये है, और कल को वो तहमत लगा करके घूमेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। निश्चित रूप से अनुशासन हमको रखना चाहिए। दूसरे चीज़ की ड्रेस और अटपटी जो चीज़ों को पहन करके आते हैं, इससे दूसरे बच्चों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे कि वो शिक्षा विभाग के मंत्री और उन लोगों से बैठक करके चर्चा करें कि स्कूल ड्रेस जो है वो ही लागू हो, अन्य प्रकार का किसी भी प्रकार का परिधान स्कूल में जो एक दिन का या दो दिन का उनको छुट्टी दी जाती है उसके अलावा पहन करके छात्र नहीं आए तो ये ठीक रहेगा। जयपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई स्कूल की बच्चियाँ संविधान की सुरक्षा के लिए सड़कों के ऊपर आई। गणतंत्र दिवस के दिन एक माननीय विधायक जाते हैं, ऐसा एग्जाम्पल पहले कभी नहीं हुआ, और बच्चियों को हिजाब के लिए टोकते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगवाते हैं। स्कूल शिक्षा में कभी ऐसा नहीं हुआ और पूरे जयपुर के अंदर राजस्थान की ये परंपरा रही है, स्कूल में विधायक को इन्वाइट किया जाता है, गणतंत्र दिवस में प्रेजेंटेशन होते हैं, किसी स्टूडेंट को इनाम दिया जाता है, किसी का कल्चरल प्रोग्राम होता है, उसमें आप जाकर के और जिस तरह की राजनीति करके जयपुर में संदेश देना चाहते हो, माहौल खराब करना चाहते हैं जयपुर के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ कि जब जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन आपने संविधान को तार तार कर दिया। आज वो लड़कियाँ ये कार्रवाई चाहती है, पूरे 5-6 हज़ार लोगों की तादाद वहाँ इकट्ठी हो गई, महिलाएं और बच्चियाँ अपने लिए इंसाफ की गुहार करने लगी। हम दोनों ने वहाँ जाके किसी तरह उनको समझा बुझा के घर भेजा, हमने कहा हम तुम्हारे लिए न्याय के लिए लड़ेंगे, तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे। संविधान जिस दिन लागू हुआ उसी दिन आप इस तरह की हरकत करते हो, तो डिमांड लोगों की ये है, आम आदमी की डिमांड है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, चाहे विधायक हो और चाहे आम आदमी हो। कल जो हिजाब को लेकर के राजस्थान जयपुर के एक विद्यालय का विवाद अखबारों में आया है, और वहाँ छोटी छोटी बच्चियों को जिस तरह सड़क पे ला करके प्रदर्शन करवाया गया, वह बहुत ही निंदनीय है। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ़ पुलिस को जानकारी जांच करके उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। और हिजाब का जहाँ तक विषय है, इसमें वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय का जो माननीय न्यायालय निर्णय दिया है उसके हिसाब से पालना करनी चाहिए। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णय संस्था के ऊपर छोड़ा है कि जो संस्था यूनिफॉर्म तय करेगी वह सभी बच्चों को सभी छात्रों को मानना है, और यहाँ की जो संस्था है जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित करने वाली राजस्थान की जो शिक्षा विभाग है उन्होंने जो ड्रेस कोड किया है वो सबको पहनना चाहिए। यहाँ ये बता दें कि राजस्थान में अभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग ड्रेस कोड है, स्टूडेंट्स को तय यूनिफॉर्म में ही स्कूल आना होता है। कई प्राइवेट स्कूलों ने हफ्ते में 2 तरह की यूनिफॉर्म तय की है, कुछ स्कूल एक दिन विदाउट यूनिफॉर्म की छूट भी देते हैं। सरकारी स्कूलों में प्रदेश भर में एक ही तरह की यूनिफॉर्म है, इसमें हिजाब शामिल नहीं है।
मदरसों में पढ़ने वाली छात्राएं हिजाब पहनकर आती हैं। कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों में अलग से ड्रेस कोड है, तो सिख स्टूडेंट्स को पगड़ी पहनकर आने की छूट दी जाती है। बहरहाल हिजाब पर विवाद की गूंज के बीच राज्य सरकार को बैठकर कोई बीच का रास्ता तो निकालना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क।